मुसलसल सपोर्ट मिल रही है, हम आपके सख्त शुक्रगुजार हैं। आपको पता है इस वक्त एक बड़ा मुश्किल वक्त इस वजह से आया क्या? अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब भी तशरीफ लाए। मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि थोड़ा सा वो सारा समा बताना चाह रही हूं जो हमारे पे गुजरा था वजीराबाद में। आपको पता है कि खान साहब इस आवाम की मोहब्बत में, इस आवाम के हालात बेहतर करने के लिए, हमें हकीकी आज़ादी के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार थे। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, जिस तरह का इस घुसपैठिए हुकूमत ने अपने सहूलतकारों के साथ मिल के और ये पूरी साजिश बना के उनको कत्ल करने की कोशिश की, हम बतौर तहरीक इंसाफ वाले कभी माफ नहीं करेंगे उनका। अगर इनका ख्याल है कि हम गोलियों से डर गए हैं तो भूल जाएं। इस वजह से कि मेरे सामने एक हमारे उमर मायर साहब को, जिनको 3 गोलियां लगी हुई थी, वो खान साहब के साथ खड़े हुए थे और वो गिरा हुआ था और नारे मार रहा था। उसने कहा, जी मेरा सारा लहू जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस कुर्बानी के जज्बे के साथ सारे चल रहे थे। और जो इन्होंने जुल्म किया है, जो ज्यादती की है, पाकिस्तान की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। ये जो सहूलतकार हैं, ये सुन ले एक दफा, ये आप जो मर्जी करते रहे, आपका ख्याल है कि आवाम डरने वाले दिन पैदा हुई है? ये आवाम हकीकी आजादी चाहती है, ये आवाम चाहती है कि हम पाकिस्तान में, हमें ज़हनी आजादी मिले। हम किसी की महकूमी पसंद नहीं करते, हम आजाद पैदा हुए थे, आजाद ही रहेंगे। ये जो चेरी ब्लॉसम है ना, जो बूट पॉलिश करने जाता है,